पीछे करो, वरना वरना क्या करो, वरना क्या, हाँ क्या करोगे? मेरी उंगली तुम्हें नजर में आ गई, लेकिन तुम्हें वो तारे नजर नहीं आते जो हंस हंस के तुम्हारी बहन मुझे देती है। अरे कौन तुम पर हंस रहा था? कोई नहीं तुम पर हंस रहा था, वो किसी और बात पर हंस रही थी, मैं भी वहां पर खड़ा हुआ था। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है कि वो बड़े होने का एज लेती है और तुम जो हो ना छोटे होने का जर्फ नहीं दिखाना कभी। किस तरह से रूठ लिया आगे से जवाब दे रही तूने? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है क्या? मेरे माँ बाप तक मत जाना, बता रही हूँ मैं, वरना मैं लगाऊंगा कान के नीचे, दो दिन तक तुम्हें होश नहीं आएगा। हाँ हाँ यही तो करना आता है, यही तो तुम्हारी ताकत है, मारो ना, मारो मुझे। तुम तो चाहती है कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं ताकि तुमने ये जो प्लान बनाया हो ना पूरी दुनिया के सामने जाके ये ढकोसला दिखाने का कि मेरे पर जुल्म हो रहा है, मुझे मारता है, ये सारे का सारा तुम उनको दिखा सको। जानता हूं मैं तुम्हें। क्या कहा तुमने? मैं प्लानर हूं, हाँ मैं ढोंग रही हूं। मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना 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 क्या? हाँ जिस जगह पर तुम खड़े हो ये मेरे भाई ने तुम्हें घर दिया है, और जिस बेड पर तुम सोते हो वो भी मेरे भाई का दिया हुआ है, जिस कंपनी में तुम काम करते हो वो भी मेरे भाई की कंपनी है। किसी गलत फहमी मत रहना कि इन तमाम चीजों की बुनियाद पर तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगी, और तुम्हारा भाई ये बात अच्छी तरह जानता था। ये मकाम जो मैंने नौकरी करके हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, इसमें तुम्हारे भाई का कोई दखल नहीं है, और तुम्हारे भाई ने मुझे पैसों का लालच देके तुम्हारे साथ फंसाया है, वरना तुम जैसी औरत को बर्दाश्त करता कौन? अच्छा तो फिर ठीक है ना, जाओ और अपने बलबूते पर घर का इंतजाम करो, मैं अभी भैया को सब कुछ बताती हूँ। तुम क्या बताओगी? उल्टा पोल पट्टी खोलूंगा मैं कि तुम जैसी नफसियाती मरीजा को मेरे पल्ले बांध दिया, और ये तो मेरी शराफत है कि मैं अपने बेटे की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। अरे जाओ जाओ, देख ली तुम्हारी शराफत, और तुम तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो मकान और जहेज की लालच में तुमने मुझसे शादी की है, और तुम तो उस लड़की से शादी करना चाह रहे थे ना जो बदशक्ल बदसूरत। तुमसे लाख गुना बेहतर थी वो, दिल की अच्छी, जबान की अच्छी, और देखो आज कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है वो। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे उसके साथ कंपेयर किया? अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। शुक्र अदा करो, बड़े दिल के लोग हैं वो, तुम्हारी बातों का जवाब तक नहीं देते, वरना तुम्हारी बातों के दरमियान में फंसा हुआ जो तंज है ना उसको सिर्फ एक शोर ही समझ सकता है। तुमने मुझे प्लानर बोला है ना, अब तो मैं प्लानिंग करूंगी इनके खिलाफ, तुम देखना मैं उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ। तो फिर एक बात तुम भी मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उनकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, इबरतनाक सजा दूंगा मैं तुम्हें। देखा देखा, आ गई ना दिल की बात जबान पर, ऐसे होते जालिम शौहर। तुमने जिंदगी भर यही तो किया है मेरे साथ, इबरत का निशाना बना के रख दिया है मुझे। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? कौन सा इबरत का निशाना बनाया? बताओ बताओ ना मुझे। बताऊं? बताओ बताओ मैं तुम्हें। हाँ? पूरी रात निकल जाएगी अगर बताने पे आई मैं तुम्हें। हाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जॉब पर जाइए, कपड़े बदलो अपने, देख लो कब से। किसी को तो बख्श दिया करो, सबकी कमबख्ती आई होती है, जैसे मेरी जैसे मेरे बच्चे की। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहीं खड़े हुए हो, निकलो भी यहाँ से मेरे घर से। क्या कह रही हो? बस करो, मैं अब तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो अपनी माँ से लातालुकी का इजहार करो। पागल तो नहीं हो गई? मैं अपनी माँ को यह कह दूं जिसने मुझे जिंदगी भर पाला पोसा, आला तालीम दिलाई, जिसकी वजह से तुम माशरे में सर उठाकर चलती हो, वरना तुम्हारे अंदर है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बदतमीज हूँ, बदशक्ल हूँ, जाहिल नजर आती हूँ मैं तुम्हें? ये मेरे भैया का घर है, मेरे नाम पर है, निकल यहाँ से। ठीक है मैं अभी निकल जाता हूँ इसी घर से, मगर जो कमा कर मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये फर्नीचर, ये टीवी, ये फ्रिज, और जो सोने के सेट तुम पहन कर यूं मटक मटक कर घूमती हो, ये सब साथ लेकर जाऊंगा मैं, और अभी के अभी लेके जाऊंगा। जाओ निकालो सारा सामान। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे, लेकिन इसके बाद अगर तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी साथ का महबूबा ने कोई भी तंज किया ना मेरे ऊपर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो राबिया, हमें मजीद लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें आराम से बैठकर इस मसले को सॉल्व करना चाहिए, इसको किसी मंद की अंजाम की तरफ लेकर जाना चाहिए। तो मैं भी तो रोज की चिक चिक बक बक से तंग आ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बहन को मुझे देखकर क्या हो जाता है, पता नहीं। मेरी बहन को तुम्हें देखकर कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी तारीफ करती रहती है हर वक्त। तारीफ करती? उनकी इतनी औकात है जो मेरी तारीफ करें? तुम्हारे साथ बात करना ना बिल्कुल ऐसे जैसे बंदा अपना दीवार में सर मार दे। हाँ तो मत किया करो ना।
सब जानती हूँ तुम्हारे बहाने। असल में तुम्हें उस डाइन हुमैरा के पास जाना है। तुम्हारी बला से मैं समंदर में अगर हूँ उस डाइन के पास जाऊँ, बल्कि एक काम करता हूँ, अभी अभी तलाक के कागज पर साइन करता हूँ ताकि तुम जैसी कठन्नी औरत से जान छुड़ जाए मेरी। ये तो मेरे दिल से पूछो, मैं तुम जैसे शख्स के साथ कैसे रह रही हूँ जिसका खुद का दिल किसी और का गुलाम हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाहया बाशर्म औरत के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाती हो, इल्जाम लगाती हो। हाँ हाँ, मैं ही बेहया हूँ जो उस हयादार पर कीचड़ उछालती हूँ, मैं ही बेशर्म हूँ ना। शुक्र है तुमने कबूल तो किया ना इस बात को। कबूल करे मेरी जूती, मैं भी भाई को फोन करके तुम्हारा फैसला करती हूँ। भाई भाई भाई, हर बात का फैसला तुम्हारा भाई करेगा, तुम्हारी कटिया कहाँ से रह गई है? बस बहुत हो गया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जो करना है कर लो, और हाँ कान खोल कर सुन लो, मैंने अपना घर ले लिया है और आज से मेरा बेटा भी मेरे साथ ही रहेगा। खबरदार, तुमने मेरे बेटे की तरफ हाथ भी उठाया। क्या जहेज में लाई थी? ये मेरा बेटा है, मेरे साथ रहेगा। ये मेरा खून है, मेरा बेटा है। बेटा तू घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, हमारे पापा ने घर ले लिया, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी, ठीक है? और ना ही ऐसी कोई औरत होगी जो लड़ाई करेगी। मेरे साथ रहेगा तो तुम जैसा फसा भी बन जाएगा। उमेर, उमेर, देखा तुमने, भगवा दिया उसको। उमेर, 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 खैरियत आपने इस वक्त फोन किया? क्या नुमान भाई को हार्ट अटैक आ गया? मैं आ जाता, मैं भी आता हूं। अरे नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत करें, राबिया की तो वैसे भी आदत है, वो तो दीवारों से भी लड़ना शुरू कर देगी, मैं भी आ रहा हूं। अच्छा तो दोनों बहन भाई मिलकर आधी रात को मेरी बुराइयां कर रहे हैं यहां पर। राबिया, नुमान भाई को हार्ट अटैक आया, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नुमान भाई को हार्ट अटैक आया, खूब जानती हूँ मैं तुम लोगों की चलाकियां, तुम अय्यार और तुम्हारी बहन महाचलाक। खबरदार, जो तुमने मेरी फरिश्ता से बहन के बारे में कोई बात भी की तो ये सारी की सारी खराफात तुम्हारे अंदर है और तुम्हारी माँ के अंदर भी है। खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ बोला। और एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर तुम यहाँ से हिले ना तो मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी यहाँ पर, चाहे तुम्हारे नुमान भाई जी या मैं, मेरी बला से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, जाहिल इंसान, तुम्हें शर्म नहीं मुझ पे हाथ उठाते हुए? बस कौन है तुम? बस बस कर जा। तुम पुलिस को फोन करो ना सलीम, पता नहीं इसके कितने आदमी होंगे, इसको बाहर निकालो। हाँ कर लो कॉल, मीडिया को बुला लो, मोहल्ला जमा कर लो पूरा, लेकिन कंप्लेन तुम लोग नहीं, मैं करूंगा। इस बच्चे की तरफ से तुम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाऊंगा मैं। देखो मासूम की तरफ। क्या हाल कर दिया इसका, क्या हाल कर दिया, मेरी तरफ देखो क्या हाल हो गया है मेरा। थक गया हूं मैं, थक गया हूं भाग भाग कर पुलिस से। मैं जानते हो मुझे भगाने में किसका हाथ था? मेरी मेरी अपनी मां और मेरे बाप का। ऐसे ही लड़ते थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, और मैं ऐसे ही खौफजदा होकर छुप जाता था बिल्कुल इसी बच्चे की तरह। देखो इसकी तरफ, देखो इसकी तरफ, हाँ इसकी तरह। ये मेरा गुजरा हुआ कल है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं आती है मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खेलते हो? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बच्चे हमारे, हम क्यों इसकी जान लेंगे? तुम्हारा बच्चा है तो फिर तुमसे ज्यादा कौन पहचान सकता है? एक बेटे को बाप से ज्यादा कौन पहचान सकता है? देखो इसकी आंखों, इसकी इसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा है छुपा हुआ। पिछले कई घंटों से तुम्हें लड़ता हुआ देख रहा हूं, और पिछले कई घंटों से ही
इस बच्चे को मरता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह ना करे, बकवास बंद करो। नहीं, मैं मानता ही नहीं। मैं तो आपको माँ ही नहीं मानता। इस बच्चे के जिस्म में चलती हुई सांसों को जिंदगी कहती। मेरा बच्चा जिंदा है और जिंदा रखेगा अल्लाह ताला से। हाँ, जिंदा रहेगा, इंशाल्लाह जिंदा रहेगा, लेकिन मेरी तरह ड्रग्स लेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, फिर जान बचाने के लिए भागता फिरेगा। लेकिन इसके जिम्मेदार बता आप लोग, कोई और नहीं होगा, तुम लोग होगे। तुम हो कौन और यहां क्या कर रहे हो? मैं इसका आने वाला कल हूं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही लगे पागलों की था। मुझ पे सत्ता तारी हो जाता। मैं इसी बच्चे की तरह छुप के साइड पे खौफ से बैठ जाता था, डर जाता था, कांपता था। मैं डर जाता था, लेकिन उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अपने जरूरी काम में मशगूल थे, अपने लड़ाई झगड़े में। वो ज्यादा जरूरी है ना, बच्चा तो जरूरी है ही नहीं है। जैसे आप लोग का अपना बच्चा जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ एक गोश का लोथड़ा है। आपके लिए तो जरूरी है आपकी आना, आपकी जंग, आपकी आप, आपकी जी। बच्चा साला मरता है, मर जाए। एक बात बोलूं, जब आप लोग का ये लड़ाई झगड़े का नशा उतरेगा ना, जब आंखें खुलेंगी ना, सब कुछ होगा, लेकिन बच्चा नहीं होगा, उसका बचपन नहीं होगा। इसे देखो, ये तो वहां की डर रहा है। हमने इस पे कभी गौर ही नहीं किया। बेटा, हम नहीं लड़ेंगे, बेटा नहीं लड़ेंगे ना, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। इसे कुछ नहीं होगा, देखना आप लोग, इसे कुछ नहीं होगा। इसमें एक दिन हिम्मत आ जाएगी मेरी तरह, एक दिन बेखौफ होके जुर्म भी करेगा मेरी तरह, और फिर एक दिन पुलिस। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। हो सकता है राबिया, हो सकता है, ये हो जाएगा। जिस तरीके से हम दोनों एक दूसरे पर इल्जामात धरते रहते, अरे वालिदैन तो तब वालिदैन बनते हैं जब औलाद होती, और हम इसी को भूल जाते। और ये औलाद जो हमें अपने वालिदैन की शक्ल में देख रहा होता है, कितनी बेदर्दी से इसके हम जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। अरे जज्बात तो जज्बात, हम तो इसकी इन जरूरियात का भी ख्याल नहीं करें कि वो वालिदैन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सच कह रहे हैं भाई, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी अना में भूल ही गए थे कि हमारे बच्चे के मुस्तकबिल पे क्या फर्क पड़ेगा। हम अब आप खिलाने का फर्ज अदा नहीं कर पाए। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही लड़ते, पागल हो गई था, और मैं बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है, आज मैं फिर से अपने सामने एक उमेर को बनते हूं। उमेर भाई, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? आपने ना सिर्फ हमें बल्कि हर उस माँ बाप को आईना दिखाया है जो सिर्फ अपने अल्लाह की लड़ाई लड़ते। अब मुझे पता चला कि मैं यहाँ क्यों आया, वरना भागते भागते तो मेरी पूरी उम्र गुजर चुकी। लेकिन कभी पर्दे के पीछे से मंजर बदलने का मौका ही नहीं मिला। बदल दिया तुमने, सारे का सारा मंजर बदल दिया है तुमने। मेरे दिल में इसके लिए अब कोई कदूरत नहीं। राबिया, माफी मांगता हूं मैं तुमसे। मुझे माफ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब मुझे जाना। ऐसे कैसे जाने देंगे तुम? नहीं, मुझे अपनी सजा पूरी करनी है, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे एक वादा करना होगा कि अब कोई उमेर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। मैं वादा करती हूँ आपसे, और आपका शुक्रिया।